अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज बनाएंगे हम सुहांजने की मूली और आमले का अचार। और ये अचार बहुत अच्छा मज़े का बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो मैंने लिया था यहाँ पे आमले और ये सुहांजने की मूली। अच्छा, इसको मूली इसलिए बोला जाता है, ये बेसिकली मोरिंगा एक पौधा जो है उसका ये होती हैं जड़ें होती हैं, लेकिन इसकी शक्ल और जो इसके कलर है वो मूली की तरह का होता है। तो इसलिए इसको आम जुबान में मूली कहा जाता है, सुहांजने की मूली। तो ये इसका छिलका बहुत मोटा होता है, उसको सारे को रिमूव किया है मैंने अच्छे से, और फिर इसको मैंने काट लिया और अच्छे से वॉश किया है। और ये आमला को भी अच्छे से मैंने धो के रखा हुआ है। और ये विंटर स्पेशल होते हैं, इस विंटर के सीज़न में थोड़े से टाइम के लिए ये आती हैं, तो ये इसका आप लाजमी जो है वो इनको यूज़ में रखें, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। और ये जो आमला होता है इसका तो मुरब्बा भी बनता है, अचार भी बनता है। और ये इस तरह से मूलियों को मैंने काट लिया था, ये काफ़ी सॉफ्ट सी होती हैं, मूली की तरह की होती हैं। और ये इस तरह से मैंने इसको जो है वो कट कर लिया था। तो ये आमले के ऊपर थोड़े से ये निशान से होते हैं, तो आपने ये मत नहीं समझना कि ये ख़राब है, ये ख़राब नहीं होती, ये वैसे ही थोड़ा सा होता है, तो आपने इसको इसी तरह से यूज़ कर लेना है। तो अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल तकरीबन मेरे पास है 1 कप। अगर आपके पास सरसों का ऑयल फ्रेश है, अगर आपने अभी लिया है, तो उसको आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना, उसके ऊपर काफ़ी झाग बनेगी, उसके बाद वो फिर ठीक हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो है वो गर्म किया हुआ था, मतलब इसको पहले से यूज़ किया हुआ था, तो इसके ऊपर झाग नहीं बनी है, तो मैंने इस वजह से इसको यूज़ किया है। और अब इसके अंदर मैं थोड़े से कुछ मसाले ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने इसको दूसरे अचार में डालना है, मेरे पास पहले का अचार है उसमें, तो उस हिसाब से मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो इसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें ये मेथी दाना, इसके मैंने 2 से 3 चम्मच डाले हैं, ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें 1 चम्मच जाएगा उसका अजवाइन का, और 1 चम्मच सौंफ का, और इसके अंदर आपने 1 चम्मच भर के कलौंजी भी डालनी है, जो कि मैं इस टाइम भूल गई थी, बाद में मैंने डाली थी। और ये अब जो है मूलियों को इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेना है। और सबसे ज़रूरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल लो रखनी है, उसको मीडियम हाई कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो ये सारे मसाले जो आपने डाले हैं वो जल जाएंगे। ऑयल जो होता है सरसों का, वो गर्म जब होता है तो बॉयल नहीं होता, तो इसलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट होती है, जिससे सारे मसाले जल जाएंगे। आपने बस उसको इतनी हीट रखनी है जिससे बस गर्म रहे, और उसके अंदर सारी मूलियाँ डाल के उसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने का मतलब ये है कि इसमें जो मसाले हमने डाले हैं उनका एक टेस्ट इसके अंदर आ जाए मूलियों में, और दूसरा उसका कलर बड़ा अच्छा सा हो जाएगा, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इसको 2 से 3 मिनट बिल्कुल जो लो फ्लेम है उस पर इसको फ्राई करना है, और अच्छे से चम्मच चलाते हुए सारी मूलियों को जो है ना ऑयल में मिक्स कर लेना है, सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और ये अगर आप इसको इंस्टेंटली बना रहे हैं ना, तो ये आप चाहें तो आप स्टेज पे इसको ज़्यादा जो है ना वो गला लें, ज़्यादा इसको पका लें, तो ये तकरीबन 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं इंस्टेंट नहीं बना रही हूँ, मैं इसको जो है बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसको जो है वो बस इतना फ्राई करूँगी जितना किसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, मतलब 2 से 3 मिनट तक के लिए फ्राई करूँगी। उससे ये होगा कि इसका कलर अच्छा सा हो जाएगा, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये देखें, इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए, और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब जो है ना वो मैं इनको एक प्लेट में जो है वो निकाल, और इसके साथ जो भी मसाले निकल जाएंगे उसका जो है वो कोई मसला नहीं है। और हमने इसी ऑयल में जो है वो फिर बाद में आमला को भी फ्राई करना है, और उसके लिए आपको दोबारा से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने जो मसाले डाले हैं उन सबका टेस्ट जो है वो उसी के अंदर है, ऑयल के अंदर है। ये ऑयल एक तरह से जो है वो रेडी हो चुका है, इस वजह से आपने दोबारा से मसाले इसमें ऐड नहीं करने। और ये सारी जो है वो मूलियों को निकाल लेना है, और यहाँ पे जो है वो मैंने बिल्कुल फ्लेम जो है वो मैंने लो रखी हुई है, और मैं बार बार फ्लेम का इसलिए बता रही हूँ कि अगर थोड़ी सी भी फ्लेम हाई हो जाती है ना, तो ये मसाले जो होते हैं वो बिल्कुल जल जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, और उनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसलिए आपने बहुत ध्यान से यहाँ पे इसको फ्राई करना है। अब ये सारी मैंने निकाल ली हैं, और ऑयल अभी भी गर्म है, और इसके अंदर भी मसाले अभी काफ़ी हैं, और ये मैंने सारे आमले इसमें डाल दिए, और इनको भी जो है वो हमने फ्राई करते रहना है हल्का हल्का सा। और
अगर आपने, फिर मैं ये बताऊँगी, यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप इसके इंस्टेंटली बना रहे हैं ना इसको, आमले को भी आप 2-3 दिन में यूज़ करना चाहते हैं, तो इसको आपने अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करना है और फिर इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक दम पे रख देना है, जिससे आमले बहुत अच्छे से जो है वो गल जाएंगे और 2-3 दिन में अचार में रेडी हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ तक फ्राई करूँगी इसको, जब तक इसका कलर येलो हो जाए, यहाँ पे ग्रीन कलर है अभी, और ये देखिए अभी इसको 2-3 मिनट हुए फ्राई करते हुए और माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर येलो कलर आ गया और ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं। तो अब जो है वो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और यहाँ पे ये अचार है मेरे पास पहले ही, आम का अचार है, इसमें मिर्च का है, इसमें नींबू का है, तो मैं इसी अचार के अंदर इसको भी मिक्स करूँगी ताकि सबका अच्छे से एक बैलेंस हो जाए टेस्ट का। तो यहाँ पे एक और ज़रूरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब आपने ये अचार बनाना है तो ये जो आपने मूलियाँ और आमले को फ्राई किया है ये बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। तो ये मैंने निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पे इनको ठंडा किया था अच्छे से और फिर मैंने इसको ऑयल में डाला है। अगर आप इसको गरम गरम डाल लेंगे तो आपका सारा अचार ख़राब हो जाएगा, जो पहले का वो भी और ये वाला भी। तो इसलिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने पहले इसको ठंडा करना है और उसके बाद इसको मिक्स करना है बाकी अचार में, या फिर किसी भी कंटेनर में आप अगर डाल के रख रहे हैं, अगर आप मिक्स नहीं भी कर रहे हैं अलहदा रख रहे हैं, तो आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद किसी जार वगैरह में डालना है। और अब ऊपर से मैं ये जो आमले हैं इसमें ऑयल भी है वो सारा इसी में ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से आप और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या फिर ना भी डालें, क्योंकि थोड़े दिनों 1-2 दिन के बाद जो है जब ये गल जाएंगे तो थोड़ा सा ये नीचे बैठ जाएंगे और ऑयल जो होगा वो एक्स्ट्रा ऊपर आ जाएगा। तो अभी ये सख्त हैं इस वजह से ऑयल जो है वो ऊपर नहीं लग रहा है। तो ये देखें, इसको मैंने रख दिया, मैं इसको पूरे वीक के लिए इसको मैं रख दूँगी और रोज़ मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। और ये देखें अब एक वीक के बाद ये माशाल्लाह से कितना अच्छा अचार बना है और मूलियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं लेकिन हो गई हैं। और आमले में अभी थोड़ा सा जो है वो कच्चापन बाकी है, जो कि 2-3 दिन के अंदर ये भी मुकम्मल रेडी हो जाएगा खाने के लिए। ये 10 से 12 दिन में रेडी हो जाता है खाने के लिए। और ये था आज का मेरा विंटर स्पेशल अचार की रेसिपी। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक लाजमी करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।